दोस्तों रेलवे की तरफ से आजकल जो लगातार नई नियमित गाड़ियां हैं इनका जो शुरुआत है इस पर काफी जोर दिया जा रहा है एंड इसी कड़ी में रिसेंटली कई जो नियमित गाड़ियां हैं इनका भी संचालन रेलवे ने शुरू कर दिया है यात्रियों को एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। एंड यहां पर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आने वाले 25 अक्टूबर 2024 से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक और नई नियमित गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है जिसमें टोटल 21 कोच अलग होंगे। एंड यहां पर दोस्तों मुंबई से जिस रूट पर इस गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है ये भी काफी इंपोर्टेंट रूट है एंड काफी लंबे टाइम से लोग चाहते थे कि एक जो नई नियमित गाड़ी है वो मुंबई से इस रूट पर चलाई जाए। तो फाइनली रेलवे ने ये जो मांग है उसको पूरा कर दिया है एंड यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है वो भी आपको 25 अक्टूबर से देखने को मिल जाएगी। एंड इसी नई नियमित गाड़ी के बारे में आज हम जानेंगे जिसमें टोटल 21 कोच लगे होंगे जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से होने जा रही है। एंड इस वीडियो में इस गाड़ी का ट्रेन नंबर पूरा टाइम टेबल किस रूट को ये गाड़ी फॉलो करेगी सप्ताह में कितने दिन गाड़ी चलेगी सारी चीजें हम जानेंगे इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को एंड जानते हैं 25 अक्टूबर से मुंबई से शुरू होने जा रही 21 कोच वाली एक नई नियमित ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो देश में बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन अभी के लिए हैं लेकिन जिस गाड़ी की शुरुआत मुंबई से होती है उसका जो महत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाला जो रूट है ये पूरे देश में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है एंड यहाँ पर खासकर बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश एंड बंगाल के जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं मुंबई में रहते हैं अलग अलग वजहों को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों मुंबई से जिस रूट पर इस गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है 25 अक्टूबर से ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों इस गाड़ी को लेकर और हम बेहतर से समझते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों भारतीय रेलवे यात्री सुविधा में लगातार जो विस्तार का काम है वो अभी अपने पूरे नेटवर्क में कर रही है। इसी क्रम में एक तरफ जहां फेस्टिवल सीजन में स्पेशल ट्रेनों का जो परिचालन है वो बड़ी संख्या में रेलवे कर रही है वहीं दूसरी तरफ जो कई महत्वपूर्ण रेल मार्ग है उन पर जो नई नियमित गाड़ियां हैं इनका भी संचालन रेलवे लगातार कर रही है यानी कि इनका जो नई नई शुरुआत है वो रेलवे अभी के टाइम में काफी ज्यादा कर रही है। एंड इसी क्रम में रेलवे द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के गए जंक्शन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए एक जो नई साप्ताहिक ट्रेन है इसकी शुरुआत करने पर मुहर लग चुका है। वहीं दोस्तों इस ट्रेन का जो नियमित परिचालन है वो गया जंक्शन से आने वाले 23 अक्टूबर 2024 एंड वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनल से आने वाला 25 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगा। वहीं इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे के CPRO श्री सरस्वती चंद्र जी के अकॉर्डिंग गया और लोकमान्य तिलक यानी कि मुंबई के लिए एक जो नई गाड़ी है जिसका ट्रेन नंबर होगा 22358 एंड 22357 इसका जो नियमित परिचालन है उसको शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो कि आने वाले 23 अक्टूबर 2024 से सप्ताह में हर बुधवार को गया जंक्शन से वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनल से आने वाले 25 अक्टूबर 2024 से सप्ताह में हर शुक्रवार को किया जाएगा। बात करें गाड़ी के पूरे शेड्यूल एंड स्टॉपेज के बारे में तो ट्रेन नंबर 22358 यानी कि गया LTT वीकली एक्सप्रेस ये गाड़ी सप्ताह में हर बुधवार के दिन गया से शाम में 7 बजे खुलेगी वहीं रात में 8:15 पर कोडरमा रात में 9:20 पर हजारीबाग टाउन रात में 10:30 बजे बरका काना रात में 11:34 पर मेसरा रुकते हुए गुरुवार को रात में 12:05 पर ये गाड़ी रांची पहुंच जाएगी वहीं रात में 12:25 पर ये गाड़ी हटिया सुबह में 3:10 पर राउरकेला सुबह में 4:53 पर झारसुगुड़ा सुबह में 5:52 पर रायगढ़ सुबह में 8 बजे बिलासपुर सुबह में 9:55 पर रायपुर सुबह में 10:55 पर दुर्ग दोपहर में 12:57 पर गोंदिया दोपहर में 2:55 पर नागपुर शाम में 3:58 पर वर्धा शाम में 6:16 पर बडनेरा शाम में 7:15 बजे अकोला रात में 9:25 पर भुसावल रात में 9:58 पर जलगांव उसके बाद शुक्रवार को रात में 1:42 पर एक गाड़ी नासिक रोड पहुंचेगी वहीं सुबह 4:47 पर कल्याण रुकते हुए एक गाड़ी सुबह में 5:50 पर LTT फाइनली पहुंच जाएगी। वहीं वापसी की अगर हम बात करें तो वापसी में ये जो गाड़ी है वो ट्रेन नंबर 22357 बनकर यानी कि LTT गया वीकली एक्सप्रेस बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर शुक्रवार के दिन दोपहर में 1:15 बजे रवाना होगी एंड इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया ये गाड़ी शनिवार के दिन शाम में 3:50 पर हटिया पहुंचेगी शाम में 4:20 पर रांची शाम में 5:08 पर मेसरा शाम में 6:00 बजे बरका काना शाम में 7:10 पर हजारीबाग टाउन रात में 8:15 बजे कोडरमा रुकते हुए ये गाड़ी रात में 10:50 पर गया पहुंच जाएगी। वहीं पूरे स्टॉपेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो गाड़ी है ये अपने अप एंड डाउन दिशा में गया से LTT के बीच में कोडरमा हजारीबाग टाउन बरका काना मेसरा रांची हटिया राउरकेला झारसुगुड़ा रायगढ़ बिलासपुर रायपुर दुर्ग गोंदिया नागपुर वर्धा बडनेरा अकोला भुसावल जलगांव नासिक रोड एंड कल्याण रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। वहीं बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो गया से LTT के बीच में शुरू हुई ये जो नई नियमित गाड़ी है इसमें आपको एक फर्स्ट AC 2 सेकंड AC 3 थर्ड AC 3 थर्ड AC इकोनॉमी 6 स्लीपर एंड 4 जनरल के साथ 1 जनरेटर कार एंड 1 SLRD कोच देखने को मिलेगा यानी कि टोटल 21 डब्बों वाली ये जो गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है गया से LTT के बीच में। हालांकि दोस्तों इस गाड़ी का जो इनॉग्रेशन है
वो कुछ दिन पहले माननीय रेल मंत्री जी ने मुंबई से कर दिया था। एंड यहाँ पर इस गाड़ी के साथ साथ मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से लाल कुआं के बीच में शुरू हुई एक और जो नई नियमित गाड़ी है, इसका भी उद्घाटन रेल मंत्री जी ने किया। एंड तब ये दोनों गाड़ियां मीन्स बांद्रा टर्मिनल से लाल कुआं वाली एंड LTTC से गया वाली, ये जो दोनों नई नियमित गाड़ियां हैं, ये इनॉग्रल स्पेशल बनकर रवाना हो गई। लेकिन यहाँ पर आने वाले 23 अक्टूबर 2024 से इस गाड़ी का जो नियमित परिचालन है वो गया जंक्शन से शुरू होगा। एंड इसके साथ 25 अक्टूबर 2024 से इस गाड़ी का जो नियमित परिचालन है वो फाइनली LTTC यानी कि मुंबई से शुरू हो जाएगा। बाकी दोस्तों, इस गाड़ी की शुरुआत होने के साथ ही बिहार के गया एंड मुंबई के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको काफी ज्यादा आसान बनाया जा सकेगा। एंड यहाँ पर एक और नई गाड़ी की जो शुरुआत है वो बिहार से मुंबई के बीच में हो गया है। एंड यहाँ पर खासकर बिहार से दिल्ली एंड यहाँ पर बिहार से मुंबई को जोड़ने वाला जो भी रूट है, इस पर कहीं ना कहीं नई गाड़ियों की जो नीड है वो काफी ज्यादा है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इसी भीड़ को कम करने के लिए रेलवे की तरफ से कई जो फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियां हैं वो इस फेस्टिवल सीजन में ऑपरेट करी जा रही है। एंड यहाँ पर इसके अलावा इसी फेस्टिवल सीजन के दौरान ये जो दो नई नियमित गाड़ियां हैं इनका भी संचालन शुरू करने का जो फैसला है वो रेलवे ने ले लिया है, जो कि फेस्टिवल सीजन में यात्रियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। बाकी दोस्तों, गया से LTTC के बीच में शुरू होने जा रही ये जो नई नियमित गाड़ी है, इसमें भी टिकट बुकिंग का जो विंडो है वो रेलवे ने ओपन कर दिया है IRCTC के ऐप, वेबसाइट एंड साथ ही PRS काउंटर्स पर। बाकी ये जो रूट है गया से LTTC वाला, इस पर लंबे टाइम से नियमित गाड़ी चलाने की जो मांग है वो समय समय पर उठती रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए फाइनली रेलवे ने इस रूट को मंजूरी दे दिया है। एंड इस पर इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। बाकी नियमित परिचालन गया से 23 अक्टूबर से एंड LTTC से 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। बाकी दोस्तों, यही था मुंबई से बिहार के गया के बीच में शुरू होने जा रही एक और नई नियमित गाड़ी का अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी इस गाड़ी के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। एंड आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नए वीडियो नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।